हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो बेसिकली ये जो फोर्स का जो कंसेप्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जब किसी कंडक्टर से करंट बहता है, सो उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट पार्ट ये है, जब कंडक्टर आपको सिंगल होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में उस पर क्या फोर्स लगेगा, और जब सेकंड हम लोग देखेंगे यदि दो कंडक्टर को पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल पोजीशन में रखा जाए तो फिर उसमें जब करंट फ्लो करता है तो कितना फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होता है। सो आई थिंक यदि ये आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। सो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो आइए हम लोग टॉपिक देखते हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। सो यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, एफ होता है आई डी एल क्रॉस बी। मीन्स यदि मैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लूँ, सपोज करो कि ये मैं करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहा हूँ, इसका मैं एक स्मॉल पार्ट लूंगा। सो ये आपको स्मॉल पार्ट और करंट एलिमेंट का कंसेप्ट क्लियर है। यदि करंट इस तरफ बह रहा है आई, तो इस स्मॉल पार्ट का लेंथ यदि डीएल है तो हम लोग इसको बोलेंगे करंट एलिमेंट, जिसका वैल्यू होगा आई इंटू डीएल, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में इसका आपको डायरेक्शन लेना होगा। सो ये जो करंट एलिमेंट है इसको यदि आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपको फोर्स आता है जो कि उस स्मॉल करंट एलिमेंट पे लग रहा है। अब इस स्मॉल करंट एलिमेंट पर जो फोर्स लगता है उसको यदि हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो मेरा नेट फोर्स जो उस करंट एलिमेंट पर लगेगा या नेट फोर्स जो उस कंडक्टर पे लगेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, और वो आता है आई एल डैश क्रॉस बी। देखो यहाँ पर आप ध्यान दो, आप एल डैश लियो मीन्स कि जो कंडक्टर का इफेक्टिव लेंथ लिए हो, मीन्स एल डैश क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल लेंथ एलिमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, और द लेंथ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सो इसके बारे में हम लोग फर्दर आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए आप कि फोर्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी, और जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डी एल एंड बी है, और जब आप इसको फाइनली इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई एल डैश क्रॉस बी, जहाँ पर एल डैश होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल लेंथ एलिमेंट। तो आप यदि इनिशियल पॉइंट किसी वायर का ये पी है, सपोज करो कि एक वायर है जो कि पी क्यू आर एस टी के फॉर्म में है और पी इसका इनिशियल पॉइंट है, तो अब देखो ये एक स्ट्रेट करेंट नहीं है, ये जो करंट है वो डिफरेंट स्ट्रेट कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक स्ट्रेट कंपोनेंट ये है, उसके बाद फिर दूसरा स्ट्रेट कंपोनेंट ये है, फिर तीसरा स्ट्रेट कंपोनेंट ये है। सो बेसिकली आपको ये जो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है, सो इन दोनों का स्टार्ट और एंड पॉइंट का के बीच का इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करना होगा, और वो इफेक्टिव लेंथ आपको ये होगा। सो कॉरस्पॉन्डिंगली जो फोर्स इस बॉडी पर लगेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे लेंथ को आप एक इफेक्टिवली लेंथ बना लो, मीन्स कि इसके एंड पॉइंट को आप जोड़ करके एक लेंथ निकालो। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो उसी कंसेप्ट का यूज करना है और वहां से आप इफेक्टिव लेंथ निकालोगे। आई थिंक इस फिगर से आपको इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट पता चल गया होगा। अब देखो कि ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, सो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे और यहाँ पर देखो आई की तरफ अपने फोर फिंगर्स रखो दाहिने हाथ की, और उसका जो ओरिएंटेशन होगा पाम का वो बी की तरफ होगा, मीन्स कि पाम अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। सो देखोगे कि फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, थंब आपको ऊपर की तरफ होगा। सो इस तरीके से जो सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसको आप कैलकुलेट करते हो। अब हम लोग उसका प्रूफ देख लेते हैं। सो बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि डीएफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। तो आप क्या करो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पी क्यू ले लो, जो कि यहाँ पर फिगर से दिखाया गया, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, और इसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस किया गया है। इससे आपको करंट आई फ्लो होता है, इस आई का वैल्यू भी आपको निकालना होगा। आपको जो टर्म दिया गया है वो दिया गया है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, वो एन है। सो आपको दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम
इज इक्वल टू एन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल रहे हैं, और ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो बेसिकली करंट आपको ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, क्यू से पी की तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं। अब आपको निकालना है कि एक स्मॉल एलिमेंट डीएल पर क्या फोर्स लग रहा है यदि उसको बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। हम लोग यहाँ पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिए और फिर आपको इस पर पहले निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डीएल लेंथ में कितना है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डीएल लेंथ में क्या होगा, इस डीएल लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ए इंटू डीएल इंटू एन। देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये जो करंट एलिमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डीएल, और जो करंट डेंसिटी है वो एन है, मीन्स की एन ए डीएल हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डीएल लेंथ। अब हम लोग बोलेंगे कि इस डीएल लेंथ में टोटल चार्ज कितना है, तो चार्ज के लिए आपको ई से मल्टीप्लाई कर देना होगा। सो ई एन ए डीएल हो गया टोटल चार्ज इन लेंथ डीएल, ठीक है, इन डीएल में टोटल चार्ज का वैल्यू ये हो गया। अब फिर सेकंड हम लोग देखेंगे कि करंट किसी इस कंडक्टर में कितना फ्लो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो करंट क्या होता है, बेसिकली आपको टोटल नंबर ऑफ चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जितना क्रॉस करेगा उतना करंट होता है, बिकॉज आई का वैल्यू क्या होता है, क्यू बाई टी। सो टी का वैल्यू आप 1 सेकेंड ले लो तो आई का वैल्यू क्यू हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे उतना करेंट है। तो अब यदि मान लो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, मीन्स की इलेक्ट्रॉन यदि वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो फिर आप देखोगे कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन वी डी डिस्टेंस मूव कर रहा है। अब सपोज करो कि मैं एक वी डी लेंथ कवर कर रहा हूँ, ये एक वी डी लेंथ मैं लिया और ये पॉइंट है, ये लाइन है, हम लोग ये कैलकुलेट करें कि इस लाइन से कितना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास कर रहा है। सो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे लास्ट वाला जो होगा वी डी जो लेंथ है उसका लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी 1 सेकेंड में क्रॉस हो जाएगा, मीन्स कि टोटल जो ये पूरे इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकेंड में इस लाइन से क्रॉस हो रहा है। सो करेंट कितना हो जाएगा, इस वी डी में जितना चार्ज है, और वी डी जो ये है इसमें कितना चार्ज है, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और VD उसका लेंथ हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया A into VD, और इसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मेरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, और इसको आप यदि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकल गया, और टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड हो गया आपको करेंट के बराबर। तो यही आपको करेंट के बराबर हो गया NEAVD, जो कि यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। और जैसा कि आप जानते हो कि कोई खास पार्टिकल VD वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करे तो उस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स F होगा, वो क्या होगा, E into VD क्रॉस B। अब आपको निकालना है फोर्स इस पूरे DL पर कितना लग रहा है। सो आप क्या करोगे, इसको DF लिखोगे, और DF का वैल्यू होगा टोटल चार्ज इन दिस DL लेंथ। सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस DL लेंथ में क्या है, NADL। सो ये हो गया आपको टोटल चार्ज, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे VD क्रॉस B से। सो यही आपको हो गया टोटल फोर्स। अब आप देखो कि NAEVD ये आपको क्या चीज के बराबर होता है, ये आपको होता है करेंट इन द कंडक्टर। सो मैं इसको लिखूंगा NAE इंटू VD into DL cross B, so आपको finally ये हो जाएगा I into DL cross B, so clearly हमने क्या किया, हमने DF का value लिख दिया E into NADL into VD cross B, और वहां से मेरा ये value आ गया finally। so अब देखो कि DF का value कितना आ गया, DF का value आ गया I DL cross B। सो जहां पर यदि इसको, और यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, आई डी एल बी साइन थीटा, जहां पर थीटा होगा एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां पर फिगर देखो, यहां पर डीएल आपको किस डायरेक्शन में, डीएल आपको इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बिकॉज करंट के डायरेक्शन में ही डीएल मानते हैं, और ये बी हो गया। सो एंगल थीटा आपको ये वाला लेना होगा, देखो ये वाला आपको एंगल थीटा लेना होगा, इसलिए मैं इसको थीटा डैश बोल देता हूँ, इसको थीटा बोल देता हूँ। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखो कि ये सारा चीजें यहाँ पर लिखी गई है, अब चाहो तो इसको एक बार देख लो, ठीक है, ये आपके जस्ट रेफरेंस के लिए, ऐसे में ये सब चीजें ऊपर में डिस्कस कर चुका हूँ।
हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने निकाला था वो स्मॉल लेंथ डीएल के लिए निकाला था, ठीक है। हम लोगों ने निकाला कि डीएफ का वैल्यू आया आई डीएल क्रॉस बी। हम लोगों ने एक स्मॉल लेंथ डीएल के लिए निकाला था। अब हम लोग को यदि पूरे वायर के लिए निकालना होगा तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। आप यदि इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको एफ जो निकलेगा वो पूरे वायर पर फोर्स रहेगा। एफ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल क्रॉस बी, पूरे का इंटीग्रेट कर दोगे और आई को आप कॉन्स्टेंट मानोगे, बिकॉज आई क्या है, एन ई ए वी डी का मल्टीप्लीकेशन, जो कि एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। ये बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डीएल क्रॉस बी। अब आप ये मान सकते हो कि जो बी है वो भी कांस्टेंट है, मीन्स कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस केस में बी भी बाहर निकल जाएगा और फाइनली जो बचेगा वो क्या होगा, आई बी और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। आप मान रहे हो कि ये एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। यदि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, आई बी साइन थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल डैश। क्लियरली इंटीग्रेशन ऑफ डीएल डैश क्या होगा, ये होगा एल डैश होगा, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग द लेंथ ऑफ वायर तो आपको डीएल क्रॉस बी को आप अंदर में ही सॉल्व करोगे और उसके बाद फिर आप उसका इंटीग्रेशन निकालोगे। और ये देखो, ये इंपॉर्टेंट मैं लाइन लिखा हूं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ वायर, बिकॉज आप देखो सपोज करो कि ऐसे लेंथ ले लिए हो आप, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस टाइप से है जो कि इस डायरेक्शन में है और वो चेंज हो रहा है लेंथ के अकॉर्डिंग, चेंज हो रहा है। बिकॉज देखो, चेंज किसी भी तरीके से हो सकता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है चेंज, लेंथ के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर यदि लेंथ है ये, और ये लेंथ है ये वायर का, और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आपको लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पर कुछ उसका मैग्नेटिक फील्ड है थोड़ा ऊपर गया तो कुछ और हो गया, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बेसिकली लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो फिर आप अंदर में ही कर लोगे इसको पूरा सॉल्व, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे। लेकिन यदि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा हो, लाइक सपोज करो कि बी हो इस टाइप से हो जो कि बी जीरो टी के बराबर हो, ठीक है, मीन्स कि टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जा रहा है या चेंज होता जा रहा है, तो उस केस में भी आप मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हो, बिकॉज वो लेंथ से इंडिपेंडेंट हो रहा है। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं। यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए, तो मैं आपके डाउट्स को दूर करूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेसिकली आपने देखा कि डीएफ का वैल्यू आया आई डी एल क्रॉस बी। फोर्स क्या है, दो टर्म का, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। आप क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे ही यहाँ पर भी फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे। बेसिकली फोर्स के डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल, जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, उसी का कर लेंगे। और आप जैसा कि जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई डी एल एंड बी एंड सेम एज दैट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी विथ ए एज आई डी एल एंड बी एज मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक इस डायरेक्शन में आपको ज्यादा इश्यूज नहीं होगा। हम लोग कर्व्ड वायर के कारण देख लेते हैं फोर्स क्या लगता है। आप जानते हो कर्व्ड वायर के कारण फोर्स निकालना हो तो आपको इफेक्टिव जो लेंथ होता है उस कंसेप्ट का यूज करना है। आप देखो जैसे कि पी क्यू हो गया, तो इसका इफेक्टिव लेंथ के लिए इस दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस देख लो। आप एक तो ऐसे आ सकते हो, पी एस क्यू के फॉर्म में आ सकते हो, और इफेक्टिव लेंथ इन दोनों के बीच का क्या होगा, ये होगा। फोर्स निकालने के लिए ये लेंथ एल डैश का यूज करोगे, जिसका वैल्यू होगा 2R के बराबर। अब देखो कि यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर्टिकुलर फिगर में कितना लगेगा। देखो कि इसमें B का डायरेक्शन इस तरफ है और DL चूंकि करेंट इधर से बह रहा है, हम लोग इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने में मानेंगे कि यहाँ से P से Q की तरफ, और उसका डायरेक्शन भी हम लोग इसी तरफ मानेंगे। आपको जो नेट जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आई एल डैश क्रॉस बी। हम लोग देखा था आई एल डैश क्रॉस बी, और एल भी इसी तरफ है, एल डैश भी इसी तरफ है, बी भी इसी तरफ है, तो आपको नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो नेट फोर्स जीरो हो गया। देखो ये सब चीज यहाँ पर लिखी गई है, एल हो गया टू आर आई,
ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम लोग आई मानते हैं, तो 2RI हो गया और बी भी हो गया आई के लॉन्ग है, सो सपोज करो बी आई बोल दिए हम लोग, सो फोर्स निकाल दिए और फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया, जीरो आ गया। अब हम लोग सेकेंड फिगर देखते हैं, और सेकेंड फिगर में देखो यहाँ पर है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया, सो क्लियरली आपको अगेन जो L का होगा लेंथ या L डैश का लेंथ होगा वो क्या होगा, इसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, उसका वैल्यू अगेन 2RI हो जाएगा, बिकॉज करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, सो L डैश हो गया 2RI और B का वैल्यू क्या हो गया, BJ हो गया, ऊपर की तरफ है, सो फोर्स के लिए यूज करो I L डैश क्रॉस B, सो आप इसका यूज करोगे तो ये आ जाएगा 2BIRK, और इसका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। आप चाहो तो अपने ये जो राइट हैंड थंब रूल का यूज भी कर सकते हो, इस तरफ अपने फिंगर्स को रखो और बी की तरफ आप कर्ल कर दो, सो जैसे कर्ल करोगे देखोगे कि जो थंब है वो आउटसाइड द प्लेन की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब एक चीज है कि हम लोग इस इफेक्टिव लेंथ को क्यों लिए, सो वाई वी यूज इफेक्टिव लेंथ, देखो यदि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और एक करेंट इस सेमी सर्कुलर वायर के अलोंग फ्लो कर रहा है, तब कोई भी एक एलिमेंट्री वायर लो, ये आप सपोज करो कि एलिमेंट्री वायर ले रहे हो जो कि इधर साइड से आपको थीटा डिग्री बना रहा है, सो क्लियरली यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, आप यदि राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक आपको वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो आप एंगल वाइज देखोगे तो ये एंगल यदि आपको थीटा है, देन आपको अगेन ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये फोर्स यदि आप इसको DF बोलते हो तो इस तरफ क्या हो जाएगा, आपको DF cos थीटा हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा DF sin थीटा, सो एक तो ये हो गया। अब सिमिलरली आप यहाँ पर एक थीटा एंगल लो, यदि आप एक यहाँ पर भी एक थीटा एंगल पर एक कोई एलिमेंट ले लो तो वहाँ पर भी फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक आपको DF cos थीटा होगा और एक आपको DF sin थीटा होगा, सो इस साइड आपको DF cos थीटा एंड इस साइड DF sin थीटा। तो देखो कि नेट जो DF cos थीटा है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और इस पूरे पर जो फोर्स लगेगा नेट वो क्या होगा, DF sin थीटा, और ऐसे करके स्मॉल स्मॉल DF को जोड़ोगे तो इफेक्टिवली इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर जो फोर्स आपको ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ ही फोर्स इफेक्टिव लगेगा, और हम लोग इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पर इस इफेक्टिव लेंथ को। सो बेसिकली ये जो लेंथ है पाई आर लेंथ है, पाई आर लेंथ को यदि आप इससे 2R लेंथ से रिप्लेस कर दोगे तो भी आपको सेम फोर्स निकलेगा, मींस कि यहाँ पर आपको इफेक्टिव लेंथ के कंसेप्ट का बेसिकली यूज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है व्हाइल सॉल्विंग द फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, अब हम लोग इस पर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, और ये प्रॉब्लम है ए कंडक्टिंग वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x carries the current I is equal to 2 ampere as shown in figure below. This wire is placed in a uniform magnetic field B is equal to minus 4 k tesla. The magnetic force on the wire is. So, आपको यहाँ पर दिया गया ये एक parabola के form में एक wire है जिससे uniform current 2 ampere flow हो रहा है in a perpendicular magnetic field. So, आपको calculate करना है कि इस पर net force क्या लग रहा है. So, ये काफी easy problem है. आपको effective length calculate कर लेना होगा और effective length आपको यही length होगा. ये जो लेंथ है ये आपको इफेक्टिव लेंथ है AB, तो AB इज इक्वल टू L डैश एंड इट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 डेट इज 4 मीटर, और फोर्स जो हो जाएगा F वो क्या हो जाएगा I L डैश क्रॉस B, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है सो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा I L B, इनफैक्ट L डैश B, सो L डैश का वैल्यू क्या है 4, सो 2 इनटू, अब देखो इसके डायरेक्शन के साथ आपको कैलकुलेट करना होगा बिकॉज आपको वेक्टर साइन के साथ फोर्स कैलकुलेट करना है, सो L डैश क्या है नीचे की तरफ है, ये आपको L डैश है जिसका वैल्यू है आपको 4 माइनस जे, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 4 इंटू माइनस के, सो आप लिख दोगे माइनस 4 जे क्रॉस कर दो माइनस 4 के, सो ये हो जाएगा आपको 32 माइनस जे क्रॉस माइनस के, सो ये हो जाएगा 32 आई,
तो अब देखो यदि मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो सीधे हम लोग इसका यूज कर देते हैं आई एल डैश बी और यहाँ पर लिख देते हैं 2 × 4 × 4 और ये 32 हो जाता है। लेकिन जो कि आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है सो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कैलकुलेट करेंगे और हम लोग दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आ रहा है 32 और ऑप्शन देखोगे तो सी। तो कितना आसान प्रॉब्लम है बिकॉज आपको एक इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट पता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो इंस्टेड ऑफ ए करेंट कैरिंग कंडक्टर आप पूरा लूप ले लो, तो किसी भी शेप का आप लूप लोगे और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो नेट फोर्स लूप पर हमेशा जीरो होगा। किसी भी शेप का ले लो, देखो ये एक मैंने कोई आर्बिट्ररी शेप लिया, यदि इसकी जगह आप कोई भी शेप ले लो लेकिन बस आपको क्या होना चाहिए कि पूरा लूप क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और करेंट जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा उसी पॉइंट पर करेंट को फिर आकर के मिलना चाहिए। सो इस टाइप का यदि रहेगा तो आपको नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे होता है सो आप देखो, आपको एक करंट एलिमेंट पर फोर्स निकालोगे, कोई भी एक करंट एलिमेंट ले लो इसका, सो उस पर फोर्स निकालोगे तो डीएफ क्या होगा, आई डी एल क्रॉस बी, यही होता है डीएफ। और क्योंकि ये क्लोज है सो हम लोग इसको इस सिंबल से दिखा देते हैं, ये जो सर्कल सिंबल छोटा सा इंटीग्रेशन के ऊपर दिखाया गया है ये क्लोज लूप को दिखाता है। अब देखो यदि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा सो बी बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्रॉस बी, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये डीएल जो ऐसे छोटे छोटे हैं उन सबको आप एक जो लूप में है उन सबको जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, पूरा लूप बन जाएगा और स्टार्टिंग पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे और फाइनल पॉइंट पर आ गए हो। तो आपको नेट आपने कितना एल डैश किया या इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया, इफेक्टिव लेंथ हो गया जीरो, बिकॉज आप जानते हो ये आपको इफेक्टिव लेंथ ही होता है। तो यहाँ से स्टार्ट किया पूरा घूम करके फिर से यहीं पर आ गए तो इफेक्टिव लेंथ क्या हुआ, जीरो, और ये क्लोज लूप के लिए ये जीरो हो जाएगा। सो आपको नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। सो नेट फोर्स ऑन द लूप इज इक्वल टू जीरो और इट इज ट्रू फॉर एनी आर्बिट्ररी शेप, किसी भी शेप का ले लोगे तो उसके लिए ट्रू होगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर प्रूफ भी आपको किया गया ये जो मैं आपको बताया हूँ। और नेट फोर्स ऑन ए करेंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं और ये देखो ये आपको एक अलग टाइप का दो सिचुएशन है जिसमें आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये देखो, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर थ्री तरीके से करंट जा रहा है, पहला ये पाथ है, ये दूसरा पाथ है और ये तीसरा पाथ है, और आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। सब क्या करोगे, हर एक के कारण इफेक्टिव लेंथ निकालोगे, इसके कारण इफेक्टिव लेंथ निकालोगे तो यही होगा, इसके कारण इफेक्टिव लेंथ निकालोगे तो यही होगा, और इसके कारण निकालोगे तो यही होगा, और हर एक के कारण जो इंडिविजुअल फोर्स होगा वो क्या होगा, आई एल बी, आई एल बी एंड आई एल बी। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 3 IL/B। देखो करंट का डायरेक्शन पर ध्यान दो, करंट तीनों में एक ही डायरेक्शन में, सो यदि मैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ जो प्लेन के अंदर में होगा सो इस केस में जो फोर्स होगा इन तीनों पर ऊपर की तरफ लगेगा, नेट फोर्स क्या तीनों पर ऊपर की तरफ लगेगा इफेक्टिव लेंथ को कंसीडर करने के बाद, और जो नेट फोर्स हो जाएगा वो 3 IL/B हो जाएगा। लेकिन यदि सपोज करो कि ऐसा हो कि एक एक फर्स्ट लूप से जा रहा हो करंट और दूसरे लूप से करंट लौट रहा हो तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स, तो इन दोनों के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी और इसके कारण जो नेट फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज वन से ये जा रहा है बी तक और फिर बी से ए पर ये थर्ड पाथ से लौट रहा है। तो ये मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा। सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो यहाँ पर लिखा गया है, करेंट जो है ये पॉइंट मान लो ए मानो और ये बी मानो, सो ये ए से बी तक ये थर्ड से जा रहा है और ये फर्स्ट से लौट रहा है। सो ये जो पाथ है ए से बी थर्ड वाला और ये फर्स्ट वाला, ये मिलकर एक लूप बना दिया, सो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। केवल फोर्स इसके कारण होगा और इसके कारण जो फोर्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, आई एल बी। सो आई थिंक ये काफी ईजी है, ये कोई टफ नहीं है, आप समझिए। सो आप ध्यान दो कि जब भी करंट कोई लूप बनाएगा तो नेट फोर्स जीरो कर देना, और यदि पैरेलल पाथ में घूम रहा हो तो किसी भी शेप से घूम रहा हो आप उसके बीच का इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लोगे और फिर वहां से आप फोर्स निकाल लोगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है टेंशन डेवलप इन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर। सो जब भी किसी आर्बिट्ररी करेंट कैरिंग लूप को एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है देन उसका जो हर एक एलिमेंट है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और इस फोर्स के कारण ये आपको स्ट्रेच होता है और फाइनली ये सर्कुलर लूप में
में फॉर्म हो जाता है। देखो यहाँ पर फिगर से आपको दिखाया गया, ये करंट कैरिंग आपको कंडक्टर है जो कि लूप है, मीन्स कि करंट जहाँ से स्टार्ट होता है फिर वहीं पर टर्मिनेट होता है। सो जैसे इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया, ये एक सर्कुलर लूप में फॉर्म हो गया, मीन्स कि इसका हर एक पार्ट पे एक टेंशन डेवलप हुआ, हर एक एलिमेंट में एक टेंशन डेवलप हुआ। और कभी कभी आपको एग्जाम में ये टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आता है। सो आप ये कैसे टेंशन कैलकुलेट करोगे? देखो इसके लिए आपको नेक्स्ट फिगर दिया गया है। देखो इस फिगर में जब बैलेंस कंडीशन की बात करोगे, फर्स्ट थिंग तो आप जान लो कि इस पर नेट जो फोर्स होगा ना वो आपको जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये एक आपको लूप है। सो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आप जैसे डालोगे तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। लेकिन नेट फोर्स जीरो होने के बाद भी इसका जो हर एक एलिमेंट है उसमें एक टेंशन डेवलप होगा, क्योंकि वो स्ट्रेच होगा, वो खिंचाएगा। सो यहाँ पर फिगर से दिखाया गया, उसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया गया है और इसको हम लोगों ने लिया स्मॉल एलिमेंट, जिसको हम लोग डीएल बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपको ए बी है और इसे आई करंट फ्लो हो रहा है। अब ये इसका सेंटर है, वो इसका सेंटर है। अब जो ए बी है वो सेंटर पर आपको डी थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। सो इससे ये जो ए बी लाइन है इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, और एक पार्ट इस लाइन से जो आपको वर्टिकल लाइन है उसे डी थीटा बाई टू एंगल बना रहा है एक एंड। अब इस एंड पर जो टेंशन लग रहा है वो टी होगा, और टेंशन आपको किस डायरेक्शन में होगा? आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ पर जो टेंशन है वो आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन में, बिकॉज टेंशन किसी भी बॉडी में उसके टेंजेंट के लॉन्ग लगता है। अब आप देखो ये एंगल यदि डी थीटा बाई टू है तो ये एंगल आपको ये भी एंगल आपको डी थीटा बाई टू होगा, ये एंगल डी थीटा बाई टू होगा, और ये पूरा एंगल आपको 90 डिग्री है। सो ये होगा 90 माइनस डी थीटा बाई टू, और ये एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई टू। सो मैं यहाँ पर फिगर से दिखा देता हूँ, इस तरफ आपको टेंशन टी है और इस तरफ एंगल क्या है आपको डी थीटा बाई टू। सो क्लियरली यहाँ पर होगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और नीचे की तरफ होगा टी साइन डी थीटा बाई टू। अब हम लोग इतना सब चीज कर क्यों रहे हैं? बिकॉज आपको एक कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, ठीक है, इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब देखो कि क्या कोई दूसरा एक सिमेट्रिक करेंट एलिमेंट है जिसकी जो कि इसके एक किसी कंपोनेंट को कैंसिल कर पा रहा है, तो वो कंपोनेंट यहाँ पर बी का है, और बी पर भी सेम टेंशन टी होगा। इस पूरे वायर में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि टेंशन सेम है, तो इस यहाँ पर भी एंगल आपको डी थीटा बाई टू होगा, और फिर वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और नीचे की तरफ होगा टी साइन डी थीटा बाई टू। सो क्लियरली जो ये कॉस कंपोनेंट है ये सब कैंसिल आउट हो गया और केवल साइन कंपोनेंट बच गया। सो यही जो टी साइन डी थीटा बाई टू ये नीचे की तरफ लग रहा है वो किसको बैलेंस कर रहा है? देखो इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आई एल बी बोलते हैं, ठीक है। आपको आपको मालूम है कि कोई यदि एल लेंथ के कंडक्टर को लें, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो उस पर फोर्स लगेगा और उसका वैल्यू होगा आई एल बी। सो क्लियरली इस पर जो फोर्स लग रहा है वो आई एल बी है। आप राइट हैंड थंब रूल से फोर्स का डायरेक्शन देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ होगा, और इसके कारण जो एक टेंशन डेवलप होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो फोर्स लगा रहा है वो क्या हो गया? 2t sin d theta by 2। सो आप ऐसे लिख दोगे यहां पर 2t sin d theta by 2 इज इक्वल टू f ऑन DL, ठीक है। DL जो लेंथ लिए हो उस पर F, जिसको हम लोग DF भी बोल रहे हैं, और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? I into DL into B होगा, बिकॉज आप परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लिए। अब इस DL जो ये लेंथ AB है इसका वैल्यू कितना है? यदि इसका रेडियस R है तो इसका वैल्यू क्या होगा? R into D theta। सो ये हो गया I into R into D theta into B, और ये इक्वल होगा 2T साइन डी थीटा बाई टू के। देखो यही आपको मेथड है, आपको ऐसे ही करके सॉल्व करना होता है। आप इसको ध्यान दो, इसको समझने की कोशिश करो। सो फाइनली आप ये देखोगे कि ये बहुत स्मॉल एंगल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, और डी थीटा बाई टू को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? थीटा बाई टू से कर दोगे। सो फॉर स्मॉल एंगल डी थीटा साइन डी थीटा बाई टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा बाई टू, और यहां से आ जाएगा ट्वाइस टी इंटू डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू आई आर डी थीटा इंटू बी, और ये दोनों कैंसिल हो गया और
टी का वैल्यू आ गया, जो टेंशन डेवलप्ड होगा वो क्या होगा, आई आर बी, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम इसमें नीट जेईई मेंस दोनों में पूछते हैं। सो अब यदि मान लो कि आपको दिया गया कि एल लेंथ के वायर को एक सर्किल में फॉर्म किया गया, मीन्स कि एल लेंथ के वायर से आपको 2πr लेंथ का सर्किल बनाया गया, ठीक है, 2πr लेंथ का सर्किल बनाया गया, तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल बाई 2π। सो आप कर दोगे इसको, t इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू एल बाई 2π इंटू बी। सो ये दो फॉर्मूला को आप याद रखिए, ठीक है, और इसका डेरिवेशन ऐसे ही हम लोग एक न्यूमेरिकल भी इस पर देखेंगे जो कि काफी ट्रिकी न्यूमेरिकल होगा और उसमें आपको यंग मॉडुलस और ये सभी कैलकुलेट करना होगा। तो इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बाद आप देखो कि यदि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग स्विच ऑफ कर दें तो क्या ये अपने इसी सर्कुलर शेप में रहेगा या फिर ये फिर से अपना जो ओरिजिनल शेप उसमें आ जाएगा। तो अब देखो ये चीज यहाँ पर इस सवाल का यहाँ पर आंसर दिया गया है कि इफ नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट देन द लूप विल स्टिल ओपन इन टू अ सर्किल एज इट्स एडजेसेंट पार्ट करेंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड अपोजिट करेंट repel each other. However, that much tension will not be developed. So I think ये सारे concepts आपको clear हो गए होंगे और यदि किसी conductor को हम लोग magnetic field में रखें तो उस पर क्या force लगेगा वो भी आप समझ गए हो। इसके बाद हम लोग next concept देखेंगे जब दो parallel और anti parallel current carrying conductor को रखा जाए तो उसके बीच का force क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या होगा। लेकिन उससे पहले ये जो कंसेप्ट सीखे हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि न्यूमेरिकल को दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ, लेवल वन न्यूमेरिकल एंड लेवल टू न्यूमेरिकल। आप ये दोनों न्यूमेरिकल को जब देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपका और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।